ओके देखो, आज हमको दो टॉपिक कवर करने हैं, एक है ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा हम लोग रिवाइज करेंगे कॉलिजन। ठीक है, तो पहला टॉपिक लिखो अपनी कप में, ग्रेविटेशनल फील्ड। पहला टॉपिक लिखो अपनी कप में, ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो एक चीज तुम याद रखना कि दुनिया में कोई भी मास होता है ना, कोई भी मास, दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उससे r दूरी पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, एफ जी। उसका फॉर्मूला होता है gm अपॉन r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? gm अपॉन r स्क्वायर। तो दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उस मास के कारण क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? gm अपॉन r स्क्वायर। यहां पे जी की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10^-11। एम का मतलब क्या है? मास, जाको किसमें लेना है? केजी में। आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस, ये किसमें लेना है आपको? मीटर में लेना है। तो याद रखना दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उसके कारण क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। और किसी भी मास एम से आर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी मतलब आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम मतलब मास, आर का मतलब डिस्टेंस। और याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन केजी होती है। कितनी होती है? न्यूटन अपॉन केजी होती है। और तीसरा देखो, अगर दुनिया में कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है मतलब उसकी क्या होती है? मतलब उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स मास। डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स मास। मतलब अगर मान लो यहां पे कोई मास है तो मैं पूछू बताओ इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स मास, मतलब मास की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पे होती है? टूवर्ड्स मास, मतलब मास की तरफ होती है। जैसे अगर मान लो मैं पूछू यहां पे कहां होगी, तो टूवर्ड्स मास, तो उधर की तरफ। मैं पूछू यहां पे कहां होगी, टूवर्ड्स मास मतलब उधर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पे होती है? मास की तरफ होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन केजी होती है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉप, लिख लो अपनी कॉप में। तो कोई भी मास है एम, उससे आर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। जी इंटू कितना मास है अपॉन आर का स्क्वायर। लिख लो, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में तो मैं पूछता हूं, ये लिखा सबने, कितने राउट है इसमें? ओके, कोई डाउट नहीं है तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, सॉल्व मास ऑफ 2 kg is placed at origin. मैंने 2 kg का मास कहां पे रखा? ओरिजिन पे। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट 2.3। तो आपको बताने की 2.3 पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है कि आपने एक 2 केजी का मास कहां पे रखा? ओरिजिन पे। तो यहां पे क्या पड़ा हुआ है? 2 केजी का मास। आपको बताना है कि 2.3 पे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो वैल्यू क्या होती है? जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी कितना है? 6.67 × 10^-11। मास कितना है? देखो 2 केजी, तो एम की जगह आ जाएगा 2। और आर का मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी है। तो तुम में से जिसको नहीं पता है, तो दूरी निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। रूट ऑफ 2 है, देखो यहां पे, ये कहां पे? ओरिजिन पे, 0.0। तो 2 − 0² + 3 − 0² तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर। तो आर कितना आएगा चेक करो, तो 2² = 4, 3² = 9। तो ये कितना आ गया? √13। पर देखो यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो अपन क्या कर देंगे? √13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा?
6.67 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 11 इंटू 2, नीचे आ जाएगा 13 न्यूटन अपॉन केजी। ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप तुम मुझसे पूछ सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो दुनिया में कोई भी मास है ना यार, कोई भी मास एम, तो उससे आर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स मास, मतलब मास की तरफ। कोई भी डाउट है तो पूछो। लुबेना कोई डाउट है बेटा, साहिल कोई डाउट है, अर्चना कोई डाउट है, श्रेयस यश डाउट है तो पूछो। तो दुनिया में अगर कोई भी मास है m, तो उससे r दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स मास। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। सपोज करो कि ये एक मास है m, ये एक मास है 2m, ये एक पॉइंट है जो इससे r दूरी पे है और इससे भी r दूरी पे है। मान लो ये एक पॉइंट है a, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट a। आपको बताना है कि a पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। करो ट्राई करो। लगाओ दिमाग। किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कब होती है, जब उस पॉइंट के आसपास मास होता है। तो इस पॉइंट के पास में एक तो ये मास है, तो इस मास के कारण कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ होगी, इधर की तरफ, क्योंकि कोई भी मास के कारण ग्रेविटेशनल उसकी तरफ होती है। इस मास के कारण कितनी है, जी इंटू टू एम अपॉन आर स्क्वायर। इसके कारण क्या होगी, उधर की तरफ, मतलब उधर की तरफ। तो आप मुझे बताओ नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैं ऐड कर देता, दोनों अपोजिट है, तो बड़े वाले छोटे को घटाओ, तो 2gm अपॉन r स्क्वायर माइनस gm अपॉन r स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, gm अपॉन r स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। तो किसी भी मास के कारण r दूरी पे क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। और डायरेक्शन क्या होती है, मास की तरफ। तो इस मास से कारण इसकी तरफ, इस मास से कारण इसकी तरफ। देखो इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो बड़े में से छोटे को घटाया, तो ये आपका आंसर बचा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। डाउट है कि क्लियर हो गया? साहिल को डाउट है भाई? नो डाउट सर। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कप में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसमें लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड एस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या था, देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया में कोई भी मास है m, तो उससे r दूरी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर। यहाँ पे एक तो माइनस आता है और नीचे खाली आर आता है, आर स्क्वायर नहीं आता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल अपॉन केजी। देखो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब यहां पे हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, है ना? क्या डायरेक्शन है, मुझे से कोई मतलब नहीं, मुझे खाली किससे मतलब है, मुझे खाली वैल्यू से मतलब है। तो दुनिया में अगर कोई भी मास है m,
तो उससे आर दूरी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी एम अपॉन आर। माइनस जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब मास, आर का मतलब आपका जो पॉइंट है वो आपके मास से कितना दूर है, माइनस जी एम अपॉन आर। लिख लो पिकअप। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, लिख लो कॉपी में लिख लो अपनी। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो ये कोई मास है, मान लो ये कोई मास है, मान लो ये कोई मास है, ये कोई पॉइंट है ए जो इससे आर दूरी पे, इससे आर दूरी पे, इससे भी आर दूरी पे, तो आपको बताना है कि ए पे पोटेंशियल कितना होगा। देखो कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उसके आसपास मास होता है। तो ए से आर दूरी पे देखो एम है, तो इसका माइनस जी एम बाय आर। देखो ए से आर दूरी पे एक और एम है, इसका माइनस जी एम बाय आर। देखो ए से आर दूरी पे एक और मास है, इसका माइनस जी एम बाय आर। तो कितना हो गया, माइनस थ्री जी एम बाय आर हो गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि निकालते कैसे? देखो यहां पे डायरेक्शन का कोई पंगा है ही नहीं, आपको जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है आप वहां जाके बैठ जाओ, चेक करो कितने मास है। देखो एक है, दो है, तीन है, जितने मास है उतना पोटेंशियल आएगा। कैसे निकालते हैं, कितना दूर पड़ा है आर, कितना पड़ा है एम, तो माइनस जी एम बाय आर। कितना दूर पड़ा है आर, कितना पड़ा है एम, तो माइनस जी एम बाय आर। कितना दूर पड़ा है आर, कितना पड़ा है एम, माइनस जी एम बाय आर। तीनों को ऐड करो, माइनस थ्री जी एम बाय आर। ये आपका आंसर है। आया समझ में? देखो यहाँ पे डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो अपने को डायरेक्शन का लोचा है ही नहीं, अपने को साली खाली पोटेंशियल निकालने और उनको ऐड करना है, बता देगा आंसर। लिख लो। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। मान लो कि यहां पे एक मास है, मान लो कि टू एम है और ये मास है एम, और मान लो ये एक पॉइंट है ए, मान लो ये डिस्टेंस भी आ रहा है, मान लो ये डिस्टेंस भी आ रहा है। आपको बताना है कि ए पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। करो ट्राई करो। चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, करो ट्राई करो क्या होगा साथ से, सोचो। दुबेने का आ रहा है सी, क्या आ रहा है श्रेयस? अर्चना कितना आ रहा है इसका? साहिल कितना आ रहा है? शैली क्या आ रहा है इसका? आंसर लगाओ दिमाग। इस मास से कितना दूर है आर, इस मास से करंट कितना हो गया, माइनस जी एम बाय आर। इससे कितना दूर है, देखो इससे कितना दूर है, आर प्लस आर टू आर, तो इससे करंट माइनस जी इंटू टू एम अपॉन टू आर, टू से टू गया तो दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, माइनस टू जी एम बाय आर। इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर। डाउट है तो पूछो यार।
इस मास से कितना दूर है? आर। तो इससे कारण माइनस जी एम बाय आर। इस टू एम से कितना दूर है? देखो आर प्लस आर टू आर, तो इससे कारण माइनस जी इंटू टू एम अपॉन टू आर, टू से टू गया, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा? माइनस टू जी एम बाय आर। क्लियर हो गया? यस सर। हो गया। तो यस इस तरीके सर। से हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। अब एक चीज तुम याद रखना, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू शेल। तुम सब लोगों को शेल पता है? शेल मतलब ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली होता है। जैसे मान लो कोई शेल है, इसका मास दे रखा है आपको m, इसका रेडियस दे रखा है आपको r। देखो अब एक चीज तुम याद रखना, जैसे मान लो ये सेंटर है o, मान लो कि ये कोई पॉइंट a जो मान लो सेंटर से r दूरी पर, तो तुम्हें क्या याद रखना है? देखो तुम्हें ये याद रखना है, अगर r लेस देन और इक्वल टू r होता है, मतलब अगर आपका पॉइंट जो है वो या तो शेल के अंदर या शेल के सरफेस, तो सब जगह पोटेंशियल कितना होता है? माइनस जी एम अपॉन आर। जी मतलब आपको भी पता है कॉन्स्टेंट, एम मतलब मास ऑफ प्लेनेट, आर मतलब मास ऑफ शेल, आर मतलब रेडियस ऑफ शेल। लेकिन अगर मान लो आपका कोई पॉइंट है बी जो मान लो शेल के बाहर है, सपोज करो आपको दे रखा है कि आर ग्रेटर देन आर, तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस जी एम अपॉन छोटा आर। ये तुम्हें याद रखना है। तो तुम्हें याद क्या रखना है? देखो ध्यान से देखो, तुम्हें याद ये रखना है, क्या याद रखना है ध्यान से सुनो, कि अगर आपका पॉइंट शेल के अंदर है या शेल के सरफेस पे, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर शेल के अंदर है या सरफेस पे, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। कितना होगा? माइनस जी इंटू मास ऑफ शेल अपॉन रेडियस ऑफ शेल। लेकिन अगर आपका पॉइंट मान लो शेल के बाहर है, शेल के अंदर निकाय शेल के बाहर, तो फिर आपको क्या लेना है? माइनस जी एम बाय आर। आर का मतलब आपका पॉइंट सेंटर से कितना दूर है। ठीक है, देख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर करो, याद रखना अगर आपका पॉइंट शेल के अंदर है या सरफेस पे, मतलब अगर पॉइंट यहां है तो भी इतना ही पोटेंशियल होगा, अंदर कहीं है तो भी इतना ही होगा, पर बाहर कहीं है तो माइनस जी एम बाय आर। फिर नीचे रेडियस नहीं आता है, फिर आर आता है, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो ये कोई शेल है जिसका मास है m, रेडियस है r, ये कोई c सेंटर है, मान लो ये कोई पॉइंट है b, मान लो ये सरफेस से 2r दूरी पे है, तो आपको बताना है कि b पे पोटेंशियल कितना होगा। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, पहला है माइनस जी एम बाय आर, दूसरा है माइनस जी एम अपॉन टू आर, तीसरा है माइनस जी एम अपॉन थ्री आर, चौथा है माइनस जी एम अपॉन फोर आर। सोचो क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा? श्रेयस ध्यान से देख, साहिल क्या होगा इसका आंसर? सोचो करेक्ट आंसर सुनाओ।
देखो आपका पॉइंट अब बाहर है तो मतलब पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी एम बाय आर। आर का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आपका पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, तो सेंटर से कितना दूर है देखो उतना, टू आर प्लस आर कितना हो गया 3 आर, तो माइनस जी एम अपॉन 3 आर। ठीक है, अच्छा यार तो ये हो गया अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, हम रिंग का पोटेंशियल लिखेंगे, स्फीयर का पोटेंशियल लिखेंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास में टॉपिक तो मैं कराऊंगा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तुम्हारे चैप्टर खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन। अभी मैं तुम्हें एक टॉपिक का रिविजन करा रहा हूँ, वो टॉपिक है कॉलिजन। ठीक है, तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है अब ध्यान से सुनो। पहली चीज, तुम सबके सिलेबस में, तुम सब छोड़ो 11th 12th, इवन अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो भी टू बॉडी कॉलिजन ही सिलेबस में, अगर दो से ज्यादा बॉडी है तो आपको वैसे ही दिमाग लगाए करना है, थ्री बॉडी कॉलिजन तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्या पढ़ना है टू बॉडी कॉलिजन। देखो तो कॉलिजन होते क्या है, पहले उनके टाइप्स लिख लो, तो कॉलिजन तीन टाइप के होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो तुम्हें तीन तरीके के कॉलिजन पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तुम याद रखना, चाहे दुनिया में कोई भी कॉलिजन हो, मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। यहां पे पी आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम का मतलब है कॉलिजन के पहले का मोमेंटम। यहां पे पी एफ का मतलब है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का मतलब कॉलिजन के बाद का मोमेंटम। याद रखना, मोमेंटम तभी चेंज करता है जब किसी सिस्टम पे बाहर से फोर्स लगता है। तुम मुझे बताओ, जिसको नहीं पता है वो ये चीज याद रखना कि किसी भी सिस्टम या बॉडी का लीनियर मोमेंटम तभी चेंज होता है जब उस सिस्टम पे बाहर से फोर्स लगता है। लेकिन तुम मुझे बताओ कॉलिजन के वक्त क्या होता है। देखो, मान लो ये एक बॉडी का मास है m1, ये एक बॉडी मास है m2, मान लो ये आ रही है, ये आ रही है, मान लो दोनों टकराए, टकराते वक्त जो दो वाली बॉडी उसने पहले पे फोर्स लगाया, पहली वाली ने दूसरे पे लगाया, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया, तो जब दो बॉडी टकराती है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, फिर टकराने के पहले का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है बराबर रहेगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी बॉडी या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तभी चेंज होता है जब बाहर से कोई फोर्स लगता है। लेकिन अपन जो कोलिजन पढ़ेंगे उसमें बाहर से तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तीनों में आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर रहता है। लेकिन खाली इलास्टिक कोलिजन ऐसा है जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर रहती है, मतलब इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि एनर्जी लॉस होता ही नहीं है, नो एनर्जी लॉस। यहाँ पे k इनिशियल नॉट इक्वल टू k फाइनल, यहाँ पे भी k इनिशियल नॉट इक्वल टू k फाइनल, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि जब बॉडी टकराती है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। कभी तुमने देखा है कि दो बॉडी टकराती है तो चिंगारी निकल जाती है कभी कभी, कभी दो बॉडी टकराती है तो आवाज भी आती है, मतलब वो आपका इलास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि इलास्टिक में क्या होता है, नो एनर्जी लॉस। वैसे ये आइडियल है, दुनिया में इलास्टिक कोलिजन काफी कम होते हैं, है ना, अगर होते भी हैं तो वो आपके कहाँ पे होते हैं, तुम्हारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन उनके बीच में होते हैं, है ना, या फिर तुम्हारे इंटर एटॉमिक कॉलिजन जो है वो। रियल कॉलिजन तो अपनी आंखों से दिखते हैं, दो गाड़ियां टकराई, दो बॉल टकराई, दो आदमी टकराए, वो सारे इलास्टिक कभी नहीं हो सकते, वो या तो इनइलास्टिक होते हैं या परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं। तो ये आइडियल है, कौन से है, आइडियल। लेकिन याद रखना, कोई भी कॉलिजन हो, कोई भी, सब कॉलिजन में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होता है, लेकिन खाली इलास्टिक ऐसा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होती है, इनइलास्टिक में बराबर नहीं होती, पर से भी बराबर नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो ही जाता है ना। पर एक चीज तुम याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन पता है क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बॉडी, ये एक बॉडी है, ये आ रही है, ये आ रही है, टकराने के बाद ये दोनों बॉडी क्या करती, चिपक जाती है, तो इसमें क्या होता है, बॉडीज स्टिक आफ्टर कॉलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है,
बॉडीज टकराती है और टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है. बॉडीज स्टिक आफ्टर कोलिजन. बाकी इन दोनों में ऐसा नहीं होता. डजंट स्टिक, इसमें भी डजंट स्टिक. लेकिन इसमें क्या होता है, बॉडीज स्टिक आफ्टर कोलिजन, एक दूसरे से चिपक जाती है. मतलब दो बॉडी टकराती है, टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है. ये किसमें होता है, खाली परफेक्टली इनलास्टिक में होता है. लिख लो. लिख लो. तो इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, तीनों में एक चीज कॉमन है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम के तीनों में. खाली इलास्टिक ऐसा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होती है, ना तो इनइलास्टिक में बराबर होती है ना परफेक्टली इलास्टिक बराबर होती है. लेकिन परफेक्टली इलास्टिक में क्या होती है, बॉडी चिपक जाती है एक दूसरे के. लिख लो अपनी कॉपी में. ठीक है, अब देखो पहले मैं तुम्हें परफेक्टली इनलास्टिक कराता हूं, क्योंकि आसान है, जल्दी हो जाएगा, समझ भी जल्दी आएगा. परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, इस कोलिजन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल. तुम्हें बस मोमेंटम बराबर करना है, तुम्हारा आंसर तैयार हो जाएगा. पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल. देखो कैसे करते हैं, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं. एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अगला तुम लोग ट्राई करना. सपोज करो ये एक मास है जो आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये एक मास है जो आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से. सॉल्व क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी इफ both of them stick after collision. तो अगर मान लो दोनों टकराने के बाद चिपक गई दूसरे से, तो बताओ final velocity कितनी होगी. तो पहले अपन एक काम करते हैं, initial momentum लिखते हैं. तुम लोगों को पता है momentum क्या होता है, mass into velocity. देखो इसका mass कितना है m, देखो इसकी velocity कितनी 10 i cap है, क्योंकि ये direction कौन सी, i cap. plus इसका mass कितना है, देखो m 20, देखो 20 पर माइनस जे कैप, क्योंकि एक आ रही नीचे तो माइनस जे कैप हो गया. अब होगा क्या, ये बिफोर कोलिजन की बात है, मतलब टकराने से पहले. अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन की. तो मैंने तुम्हें क्या कहा, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में बॉडीज टकराने के बाद चिपक जाती है, तो m प्लस m का क्या हो जाएगा 2m, और मान लो इनकी वेलोसिटी कितनी है v. तो मुझे तो नहीं पता वेलोसिटी है कितनी, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा चेक करो. फाइनल मास कितना है 2m, क्योंकि बॉडी चिपक गई, वेलोसिटी कितनी है v. पर मैंने तुम्हें क्या कहा, दुनिया में कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है. तो आप मुझे बताओ टकराने के पहले कितना मोमेंटम है चेक करो. 10m i cap माइनस 20m j cap, और फाइनल मोमेंटम कितना है 2m v. m m m गया, 2 को उधर भेजो तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 i cap minus 10 j cap. ये आपका आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी, लिख लो. किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार. लिख लिया, तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो.
सपोज करो कि ये एक मास है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये एक मास है 2m, ये आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से. फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन इफ दे स्टिक आफ्टर कॉलिजन. मान लो टकराने के बाद चिपक गए, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी. चेक करो, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं. 5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. हुआ क्या, दोनों टकराए, टकरा के एक हो गए 3m के, m प्लस m 2m. मान लो इनकी वेलोसिटी v है, तो आपको बताना है कि v की वैल्यू कितनी होगी. ट्राई करो क्या आएगा आंसर, सोचो. कितना आएगा सोचो, कितना है पी इनिशियल. देखो मास है एम, वेलोसिटी है 5, तो एम इंटू 5 आई कैप. दूसरा है मास है 2m, वेलोसिटी 2.5, पर देखो पीछे, तो 2.5 माइनस आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा. देखो 5m आई कैप और ये हो जाएगा माइनस 5m आई कैप, तो कितना हो गया 0. और P फाइनल कितना हो जाएगा, देखो 3mv, लेकिन कुछ भी हो जाए मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है, ताकि वेलोसिटी कितनी आ गई 0. कोई डाउट तो पूछो यार. तुम्हें समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन की नहीं समझ में आया. दुनिया में कोई भी कोलिजन हो, आपका मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम तभी चेंज होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है. जब दो बॉडी टकराती है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, पहली बॉडी दूसरे पे लगाती है, दूसरी बॉडी पहले पे लगाती है, तो बाहर से फोर्स लगाई नहीं, तो जितना मोमेंटम पहले था टकराने के पहले उतने टकराने के बाद भी रहेगा. डाउट है कोई कि क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कप में, एनर्जी लॉस इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन. देखो मान लो के आई आपको दे रखी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के एफ आपको दे रखा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है के इनिशियल माइनस के फाइनल. लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है. जैसे मान लो कि एक मास है एम वन, वो जा रहा है वी वन से, एक मास है एम टू, वो जा रहा है वी टू से. मान लो कोलिजन हुआ, दोनों एक हो गए, तो एक हो गए मास कितना हो गया एम वन प्लस एम टू, मान लो वेलोसिटी कितनी हो गई वी. तो आप मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी टकराने पहले, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर होगी, दोनों की अलग अलग. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ. अब मास कितना है एम वन प्लस एम टू, चिपक गए, वेलोसिटी कितनी है वी स्क्वायर, तो बस दोनों वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा.
लिख लिया? कोई डाउट है तो पूछो यार। ठीक है देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन का बता दिया मैंने तुम्हें, इसमें मैं कराऊंगा इलास्टिक पोजीशन। ठीक है, और कोई डाउट तो पूछो इसमें यार। ओके यार,